अगर चुनाव होगा तो कुर्सी में कोई छोटकर आदमी नहीं ना, कुर्सी चाहते हैं दोबारा से फिर मिले। और आप अंदाजा लगाओ कि 72,000 तो तुम जिसने फार्म भर रखा वो है, 72,000 के साथ 10-10 वोटा में तो प्रभावित कर दोगे, और 100 में भी कर दो जब जुटे हुए तो नौजवान, तो मतलब इनको बढ़ाने वाले ही तो तुम ही देते सोशल मीडिया में हर हर मोदी, घर घर मोदी, पता नहीं क्या क्या मोदी। ट्रेड यूनियन के लोग हैं जो जानते हैं कि इनकी नीतियां क्या हैं, बावजूद इसके हमारे बहुत ही नियर डियर बच्चे भी बीजेपी को वोट दे गए। और जब हम उनसे पूछ रहे थे 2014 में, तो उनका कहना ये था कि नहीं, ये सरकार करेगी, हमारे को नौकरी जरूर मिलेगी। अब लगभग 4.5 साल के करीब बीत गए, अब उनकी जो आशाएं थी वो मतलब धूमिल हो रही है, और एक बेचैनी भी है, एक गुस्सा भी है कि जो कहा था वो हुआ नहीं। अच्छे दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आए, बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन आए हैं लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आए। और एक सवाल यहाँ ये भी है कि बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो ये कहते भी सुन रहे हैं हम कि क्या करें जी, हमारी तो किस्मत में ही है ये, पक्की नौकरी हमारी किस्मत में नहीं है। तो किस्मत कहाँ से बीच में आ रही है? किस्मत का फैसला तो ये देश की सरकार कर रही है, देश की पार्लियामेंट कर रही है, हरियाणा की विधानसभा कर रही है। तो अब इन्होंने जो वायदा किया हरियाणा के अंदर 2,00,000 नौकरी हर साल देंगे, और अगर हरियाणा की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मैं बताऊं, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बारे में आप अखबारों में पढ़ते रहते हो कभी कभार, अब ये सक्षम में जब काम मिला थोड़ा सा और ध्यान गया होगा, पहले तो उस तरीके से देखते नहीं, कि हम जो मांग कर रहे हैं कि जो तमाम सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि 1981 में प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता थी और 4,00,000 से ज़्यादा पक्की नौकरी थी, और आज जनसंख्या 2.75 करोड़ के करीब है और कर्मचारियों की संख्या घट करके पक्कों की 2,65,000 के करीब है, कच्चों को भी अगर जोड़ दें तो 3.5 के आसपास है, तो 10,00,000 नौकरी इस हरियाणा में दी जा सकती हैं। लेकिन नौकरी देने का जो सवाल है, मतलब अब सरकार पक्की नौकरी देने से पीछे हट रही है। आप देखिए, ये दो दौर हैं, 1990 से पहले का एक दौर अलग है जिसमें पक्का काम था, पक्की नौकरी थी, अगर कोई कच्चा भी लगता था तो उसकी नौकरी पक्की होने की एक तरीके की गारंटी थी और पूरी तनख्वाह मिलती थी, और कोर्ट में भी अगर कोई जाता था तो लगभग गारंटी थी कि वो जो कर्मचारी है, वो मजदूर है, वो कोर्ट से जीतेगा। लेकिन 1990-91 के बाद में जब ये नव उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ये बदल गया। हम देखते हैं कि 1980 में जो उत्पादन में वेतन का हिस्सा था नौजवानों का, कर्मचारियों का, वो लगभग 30% था, आज वो घट करके 9% से नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे को पूरा वेतन नहीं मिल रहा, और मुनाफा जो है जो उल्टा फिगर है बिल्कुल, जो लगभग 10% के करीब था वो 30% से भी ऊपर चला गया। यानी कि जो हम मेहनत करते हैं उसका फायदा इनको, पूंजीपतियों को मिल रहा है, उसका लाभ गरीबों को या मजदूरों को नहीं मिल रहा, ये आंकड़ा दर्शाता है। अब ये जो मालूम है उनको कि अब आपका जो ये जो नौजवान है
ये इकट्ठा होकर के संगठित होकर के कोई लड़ाई लड़ेगा, तो अब हमारे अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ऐसा बंटवारा किया जा रहा है। अब आरक्षण की मैं बात करूं, दो बार लगभग प्रदेश की हालत खराब होली। आरक्षण में जो लाभ मिलेगा सरकारी नौकरियों में, वो तो तब मिलेगा ना जब ये 10 लाख पोस्टें भरी जाएंगी। 10 लाख पोस्टें भरने की कोई मांग उठा रहा है? ये तो उठा रहे हैं, एक कह रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरे कह रहे हैं आंखों पर डाका पड़न नहीं देंगे हम। एक रोडवेज की बस थी ना, वो सर्दी में दो महिलाएं हमारी, एक आगे बैठी एक पीछे बैठी थी, वो हवा आ रही थी उसमें सर्दी लग रही थी, वो पीछे वाली उसको आगे कर दे, आगे वाली पीछे कर दे, हवा रुकी नहीं रही और झगड़ा हो गया उनका। तो कंडक्टर आया कि बहन जी अब क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा भाई मैं इस शीशे ने आगे करूं और या पीछे कर दे। तो अब पीछे वाली बोली मैं इसने आगे करूं या फिर पीछे कर दे। बोला बहन जी नहीं तो देख लो इसमें शीशा है भी, शीशा है भी, फ्रेम फ्रेम को आगे पीछे कर दिए। मतलब नौकरी का जो सवाल है, नौकरी है नहीं, नौकरी खत्म होने लग रही है, जो पोस्टें हैं उनको भरने का कोई योजना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आरक्षण के समर्थक या आरक्षण के विरोधी दोनों मिल करके इस बात की मांग करें कि 10 लाख नौकरी हरियाणा के में जो खाली पड़ी है वो भरी जानी चाहिए, तो आरक्षण वालों के भी बने, आरक्षण वालों के भी सबको नौकरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन ये मांग नहीं उठती, मांग आपस में लड़ाने की है और कोई दूसरी बात नहीं कि किस तरीके से नौजवान ये करें। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब 90-91 के बाद में ये जो नव उदारीकरण की नीतियां चालू हुई, तो रोजगार का जो करेक्टर है वो पूरी तरीके से बदल गया। अब पक्की नौकरी की बजाय अब ठेके पर आउटसोर्सिंग नाम बहुत हैं, उन पर नौकरी लगाने का अब सिलसिला शुरू हो गया 90-91 के बाद। और उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लड़ने के बाद लगभग 2 लाख जो कर्मचारी हमारे कच्चे थे उनकी नौकरी को पक्का करवाया। लेकिन आज देखते हैं हम कि अभी एक डिसीजन आया है 31 मई को, 2014 में जो कर्मचारी पक्के हुए थे, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कह दिया कि पॉलिसी रद्द कर दी, और रद्द करने के बाद में जो 4,056 कर्मचारी पक्के हुए थे कच्चे होंगे, और जो अलग अलग विभागों में कर्मचारी कच्चे लग रहे थे वो सारे के सारे नौकरी से हटाए जाएंगे, ऐसा निर्णय जो है हाई कोर्ट ने दिया है। तो लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर हटेंगे तो नौकरी जो है, मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट किसी को चल पाएंगे क्या? एक प्रचार और होता है, क्या होता है कि अगर इन कच्चों को पक्का कर देंगे तो नौजवानों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, ये बड़ा प्रचार है। हम ये कह रहे हैं जो कच्चे हैं सबको मिला दें तो भी 1 लाख नहीं बनते, 1 लाख लगा लो, इसके बावजूद 9 लाख तो पद और खाली बच गए। हम ये कह रहे हैं कि जो 9 लाख पद हैं जो पहले से काम करें उनको पक्का करो, और जो 9 लाख हैं उन उसको पदों को भरो और नौजवानों को नौकरी दो, पक्की नौकरी दो। ये बात जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से देंगे? अब पैसा कोई आपने तो सरकार से लिया नहीं, हमने तो उस तरीके से लिया नहीं। तो पैसे की जो बात करते हैं, जो ठेकेदार हैं आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जो बीच में ठेकेदार हैं, मान ले किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये किसी कर्मचारी को मिलती है जो आउटसोर्सिंग पर लगा हुआ है, उस आउटसोर्सिंग को 10,000 जिसको तनख्वाह मिलती है, लगभग 2,200 रुपये ठेकेदार लेकर के जाता है। ना तो उस कर्मचारी को मिला पैसा और ना सरकार को फायदा हुआ, सरकार के खजाने से भी निकल गया, कर्मचारी को भी नहीं मिला, बीच में ठेकेदार पैदा हो रहे हैं। और वही हैं ठेकेदार जो चुनाव में मोटा फंड भी इन लोगों को देते हैं, इसलिए उनकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। इसलिए चुनाव घोषणा पत्र जारी किया पीछे इस बीजेपी की सरकार ने, उसमें यह बोला था कि हम
6,000 रुपये प्लस टू वालों को और ग्रेजुएशन वालों को 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये जो 100 घंटे काम की बात है ये भी उसमें शामिल है। लेकिन अब ये जो रोजगार दिया, आंकड़े बताएंगे आपको, 70,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 52,000 के करीब उसने स्वीकृति प्रदान की है और जिसको काम मिला है वो लगभग 13,000 के करीब है, 13,000 हो सकता है, 14 हो सकता है वो है। और इनकी हालत क्या बना रखी है, मतलब बेरोजगारी जो भत्ता देने का जो सवाल था वो तो ये था कि आपके पास रोजगार नहीं है और हम आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आप अपना टेस्ट की तैयारी करो, कुछ भी तैयारी करो, ये हम आपको दे रहे हैं, ये इसका मतलब यही तो था। और हम तो ये कह रहे हैं हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए ही नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए, आप रोजगार दो। और बेरोजगारी भत्ता दे रहे फिर ऐसा नहीं चाहिए जैसे दे रहे हो। अभी हम कल पलवल में थे, कोई साथी आया कि नहीं मालूम नहीं, पलवल से आया कोई नहीं आए, तो उनके सबकी हालत होगी, मतलब किसी को 2 महीने रख रखा है एक विभाग में, किसी को 1 महीना रख रखा है, फिर उसको चेंज कर दिया है, ऐसे चक्कर कटा रहे हैं। और छुट्टी वाले दिन ऐसा हो रहा है कि कंप्यूटर में जो लोग साथी हमारे लग गए हैं उनको तो ऐसा बना रखा है जैसे पर्सनल नौकर है तेरा, छुट्टी वाले दिन भी बुला लो, कुछ बोल नहीं सकते, ये हालत कर रखी है, और ना तनख्वाह का कोई टाइम का हिसाब किताब है। तो ये जो कर रहे हैं इस पर निश्चित तौर से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और बैठ करके हमने ये बातचीत की कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों का शोषण ये सरकार कर रही है, क्यों ना इन लोगों को संगठित किया जाए। तो इसलिए हमने फैसला किया बैठ करके, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ सब सारे डिपार्टमेंट में, तो ये भी आपके साथ नौजवान जो हैं, क्योंकि नौजवान है वो आज उसको रोजगार मिला है नहीं मिला है, तमाम इन नौजवानों को जोड़ने के लिए हमारी जो नौजवान सभा उसको बातचीत हमने करी, जो स्टूडेंट हैं हमारे SFI के साथी उनसे बातचीत करी, और प्लस जो CIT के साथी हैं उनसे बातचीत करके मीटिंग करी हमने कि सब मिल करके, क्योंकि एक का काम नहीं है, सब मिल करके हम इकट्ठा करेंगे। तो ये तय हुई और वो हमारे भाई है, वो प्रधान जी जो से थे वो भी मीटिंग में थे, उसने कहा कि ठीक है बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जींद की एक रैली हमने की थी, आप में से कोई गया हुआ मालूम नहीं, हाँ मतलब बहुत बड़ी रैली थी, 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी उसमें शामिल थे, उसमें हमने आपका सवाल को उठाया। और अब जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमने सवाल उठा रखा है कि एक तो जो रोज रोज की जो आपने जो कर रखी ना ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, जैसे IAS लग रहे हो आज यहाँ और आज यहाँ, इसको एक तो बंद करो, इसको बंद करो। अगर वहां जब काम है तो आप क्यों वहां से डिस्टर्ब करते हो, जहां सक्षम लगा दिया वही लगा रहे, उसको रोज मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग में ना फंसाओ, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि भैया 100 घंटे तो 13 दिन में पूरे हो जाए, फिर बाकी 1 दिन में क्या करेगा वो, उसको पूरे महीने का टाइम काम मिलना चाहिए। और काम अगर मिलता है तो जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उस पोस्ट पर जो पक्का कर्मचारी काम कर रहा है उसके बराबर उसका वेतनमान भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, जब काम बराबर दाम में फिर मतलब क्यों कटौती कर रहे हो, वो होना चाहिए। और ये जो एक अजीब सी शर्त लगा रखी है 3 साल या 35 साल, मैंने पूछा एक अधिकारी से इसे BJP वाले से, मैंने कहा यार ये तुमने 35 और 3 साल का फार्मूला गुजरात से आया है कहाँ से आया है, क्योंकि हर चीज़ ये कहते हैं गुजरात मॉडल। हमने कहा कि ये भी गुजरात मॉडल ही हो, हमने पूछा भाई ये गुजरात मॉडल है क्या है, 35 साल क्यों लगाया, बोला 35 साल में फिर उसका ब्याह हो जाएगा जी और वो उसका फिर पति जो है वो कमाने लगेगा, और मगर ये जो पहले ही है उनसे पति इनका क्या होगा, इनका भी तो बताओ, उसके पास कोई जवाब नहीं, मतलब कहाँ से शर्त लगा दिए 35 साल, ये जो 3 साल की शर्त है, हम कह रहे हैं कि इन शर्तों को हटाओ। और हम तो कह रहे हैं कि भैया ये बेगार नहीं रोजगार चाहिए, और ऐसे ही हम कह रहे हैं मानदेय नहीं वेतन मान चाहिए, मानदेय जैसे बहुत बड़ा सम्मान कर रहे हैं
ईसा सम्मान तुम राख लो, हमारे को तो वेतन नहीं दे दो। तो अब सवाल ये है कि जो हम बोल रहे हैं क्या ये हो सकता है? सवाल तो ये है ना। अगर आंदोलन तो वो जीता जाता ना जिसमें लगता होगा ये हो सकता है। अब दीवार है ये, अगर मैं इसमें टक्कर मारूंगा, मैं इस दीवार को पीछे हटा दूंगा तो दीवार तो हटेगी नहीं, मेरा सिर फूटेगा। अगर ऐसा काम करेंगे तो मेरे साथ कोई नहीं लगेगा, बोला पागल है तो सिर उड़वाएगा। एक ये हो कि हमारा जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं, जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं, जो मांग हम कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो सकती है नहीं हो सकती है? हम ये कह रहे हैं वो हो सकती है, लेकिन कैसे होगी? मांगों को पूरी करवाने के लिए संगठन रूपी औजार होना चाहिए, संगठन होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए। भैया इस प्रदेश में, इस देश में ना, जिसके पास ताकत है उसकी तूती बोलती है। नरेंद्र मोदी को कोई अपने देश में घुसने नहीं दिया करता, और आज जहाज तो नीचे नहीं उतरता, बाहर ही बाहर घूम रहा है। क्योंकि जनता का चुनाव हुआ वो अलग बात है कि 33% में पास होते ही 31% लेके पास हो गया। 31% टोटल वोट जो पड़ी उसका 31% का मत मिला, लेकिन पूर्ण बहुमत मिल गया। तो आज कोई मतलब सारे देशों में घूम रहा है, यात्रा कर रहा है। ऐसे ही हमारे जो अमित शाह थे, इनको तो मतलब गुजरात में भी जाने की पाबंदी थी, और आज कोई कहीं जाओ कोई टोकने वाला है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ताकत है, अगर इस ताकत को हम इकट्ठा कर लें तो अभी एक आंदोलन हम लड़ा है, मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ। ये नगर निगम पालिकाओं के कर्मचारी थे, नगर निगमों के, पालिकाओं के, परिषदों के, इसमें ठेकेदार को बीच में घुसेड़ रखा था सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन इसमें 12,000 के करीब कर्मचारी थे जो ठेकेदारों के अंदर काम करते थे। उन्होंने ये तय कर लिया कि हम ठेका प्रथा को हटवाएंगे, और उसके लिए हड़ताल कर दी, और भी मांग थी, हड़ताल कर दी। हमारे से लोग क्या कह रहे थे, ठेका प्रथा खत्म कैसे हो जाएगी जी, आपने पंगा गलत ले लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सारे नगर निगम पालिका परिषद के 32,000 कर्मचारी, 100% के करीब कर्मचारी रोड पर आगे हड़ताल कर दी। मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग हुई, पहले दौर में मुख्यमंत्री मना कर गए, ठेका प्रथा खत्म नहीं हो सकती भाई, हम तो ठेके पे चलाएंगे सारा सिस्टम। हमने कहा जी ठेका प्रथा तो खत्म करनी पड़ेगी, बोला ना ठेका प्रथा खत्म को नहीं, बोला अगर यहाँ खत्म कर दे तो फिर सारे में कहेंगे ठेका प्रथा खत्म कर दो, मगर फिर सबकी खत्म कर दो क्या दिक्कत है, बोला नहीं कर सकते। बातचीत टूट गई, हमने हड़ताल को जारी रखा। 16 दिन के बाद सरकार की समझ में आ गया, और देखो ये कितने मतलब हमारे वफादार हैं, बीजेपी और तमाम उसके संगठन सड़क पे आ गए सफाई करने के लिए। आपने देखा बहुत पंगा है पुलिस के साथ, और जो कूड़ा था उसकी सिक्योरिटी ऐसी थी जैसे बैंक में पैसे लेकर वेन नहीं जाती है, आगे भी सिक्योरिटी पीछे भी सिक्योरिटी, जो पाकिस्तान को बस जाती है ऐसे सिक्योरिटी कूड़े की लगा रखी। लेकिन बात नहीं बनी, जब बात नहीं बनी तो 24 तारीख को मीटिंग करनी पड़ी 3 मंत्रियों ने, और ये कहना पड़ा, ये फैसला किया कि ठेका प्रथा हम खत्म कर रहे हैं। सारे 32,000 मिल करके जुटे तो ठेका प्रथा खत्म हो गई। फायर के जो कर्मचारी वहाँ फायर में काम करने वाले हैं, 1365 कर्मचारी जो फायर ऑपरेटर हैं, उनकी नौकरी खत्म कर दी 8 तारीख को। 9 तारीख से हड़ताल करी थी हमने, 8 तारीख को नौकरी खत्म कर दी। हमने कहा कि नहीं नौकरी वापस आएगी तो हड़ताल खत्म होगी, ना तो नहीं होगी। बोले तो ठेके के खत्म हो गए तो बात खत्म होगी जी, अगली बात करो। हमने कहा यही बात करेंगे, समझौता हुआ तो उनकी नौकरी की गारंटी लेकर के आए, एक भी कर्मचारी नहीं हटे। अगर चुनाव होगा तो कुर्सी में कोई छोड़ कर आदमी नहीं ना, कुर्सी चाहते हैं दोबारा से फिर मिले। और आप अंदाजा लगाओ कि 72,000 तो तुम जिसने फार्म भर रखा है वो है, 72,000 के साथ 10-10 वोटा भी तो प्रभावित करते हुए
और सोने में कर दो जब छुटोगे तो नौजवान तो मतलब इनको बढ़ाने वाले ही तो तुम ही तो थे सोशल मीडिया में हर हर मोदी घर घर मोदी पता नहीं क्या क्या मोदी है ना और ऐसे वीडियो डाल देते थे गायें काट दी मुसलमानों ने ये कर दिया और सारे गर्व से कोई हिंदू हो अब हिंदू ही तो है तुम्हें मिल गई नौकरी पक्की अब मुसलमान हो जब डंडा पड़ता है ना फिर जाते नहीं देखती बांटने के लिए सारा कुछ है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि 2019 में होंगे चुनाव और चुनाव अगर सरकार ने इन्हें जीतना है बीजेपी वालों ने तो हमारी बात सुननी पड़ेगी हमारी नौकरी पक्की करनी पड़ेगी और हमारी नौकरी पक्की नहीं करोगे तो इनकी नौकरी भी कच्ची हो जाएगी कितना बड़ी संख्या में युवा है 65% 35 साल का को कम संख्या है तो हम ये करें सबसे ज्यादा जरूरत है संगठन बनाने की अगर संगठन हमारा बढ़ गया हम तमाम लोगों से करें कि जो उसे प्रधान है जो बिना प्रधान है कुछ लोगों को ये बड़ा शौक होता है प्रधान को आने का वो चुनाव में भी हार जाते हैं तुम्हारे संदर्भ में नहीं कर रहा मैं चुनाव में भी हार जाते हैं फिर भी प्रधान और चाहे शमशान घाट का प्रधान बनोगे लेकिन बनेंगे उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं प्रधान जी एक बार इसका प्रधान जी लाग गया वैसे चौड़ा हो जाता हो और प्रधान जी के पीछे कोई फौज होगी कोई उसके साथ लोग होंगे कोई भला करवाएगा तभी तो प्रधान जी रहेगा और ये एक आदमी का काम नहीं है ये सबका काम है सारे एकजुट हो और उन प्रधाना था भी कहेंगे कोई बात नहीं थारी प्रधानी खतरे में पड़ेगी तो लेकिन ज्यादा ही मान सम्मान है कोई बात नहीं सब आए क्योंकि प्रधानी का सवाल नहीं है सवाल है कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो आज हम इस दो राय पर खड़े हैं कि हमें मालूम नहीं कि क्या होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगठन बनाए तो कार्यक्रम आपके सामने देंगे और हम ये करें भाई देखो कुछ चीजें तो हमारी जो ताकत है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का महकमा खोल रखे ना तुम्हारा 10 दिन यहां 15 दिन वहां 20 दिन वहां थोड़ा सा एक बार इकट्ठे होकर के एक दिन वहां मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे ना फिर श्रम कर्मचारी संघ जरा तुम नौकरी करो ना वहीं हम कराए अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाकर के हम कह रहे हैं कि सक्षम के जो हमारे साथी हैं इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाओ और जो बेकार प्रथा है जो उसको परेशान कर रहे हैं वहां किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उसका हल तो हम बिना कुछ किए ही आपको करा देंगे हमारी ताकत इतनी इस प्रदेश में कोई अधिकारी तंग करता हो तनख्वाह टाइम पे ना मिलती हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले कोई कानून दिखाते हो तो सारी चीजों का हल तो हम करा देंगे वही क्योंकि जहां काम करते हो हमारी कमेटियां भी वही अब रही है पूरे महीने का काम और ये शर्तें हटवाना नौकरी पक्की जो 10 लाख मैंने बताया इसको लेकर के हम आंदोलन शुरू करेंगे इसकी तो मैडम गारंटी हमने ले ली ना दिमाग का फेटो को इसकी बीमारी खत्म कर देंगे अभी हमारा थोड़ा तालमेल नहीं है हमें भी नहीं पता कहां कहां लग रहे हैं मतलब ग्रुप तो बना रखे हैं तुमने मेरा सब कौन कहां लग रहा है हमने ही मेरा तो कल पलवल में हम बैठे थे वहां हमारे साथी सक्षम के आए थे सारे के सारे वो हमारे साथ थे तो हमने उनसे बातचीत की और इकट्ठी मीटिंग कर ली और अब सोमवार को हम जहां जहां तंग कर रहे हैं वहां जाएंगे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने देंगे ये जो रोज की दुकान खोल रखी है इसको बंद कराएंगे तनख्वाह टाइम पर दिलाएंगे जो भी मिलते आपको मान दे तनख्वाह तो कहां मिलती है तो ये टाइम पर दिलवाएंगे और निश्चित तौर से इनका समाधान कराएंगे बाकी लड़ेंगे इकट्ठे मिलकर रही पैसे की बात ये पैसा गया कहां इस पर एक ही मैं बात बता रहा हूं आपको एक आदमी की ना जेब कट गई और बस में जा रहा था और कंडक्टर बोला टिकट ले लो बाबा बोला टिकट उसने जेब हाथ मारा था जेब साथ वो बेचारा शर्माता बोला कंडक्टर टहली जाके पीछे हो जाए नहीं वो कैसे होता बोला मेरी जेब कट गई भाई बोला ऐसे ऐसे कह नारे रोज बहुत आवा है टिकट ले ले बोला यार मैं तो ना हूं उनसे तो कह रहा है बोला तू उनमें तो है टिकट ले लेना तड़प बस रोक दी
उसको नीचे उतारने लगे तो एक आगे जो है खड़ा होकर के आया ड्राइवर के पिछले सीट से, भाई की बात है, बोला टिकट को नहीं लेता क्योंकि बस रुकते कोई सवारी के नहीं पूछती मामला क्या है, चलो भाई चलो क्यों देर कर रखी है, चलो उसने पीट दो तेरा परेशान है, चलो भाई चलो। अरे उसने एक आदमी आया बोला भैया क्या बात है तो बताओ, बोला टिकट मिल रहा ज्यादा हमदर्दी तू ले ले, बोला कैसे सही टिकट है, बोला 50 रुपए 52 रुपए की है, बोला ले 52 रुपए तू टिकट काट 50 रुपए टिकट काट और बस में चला, सवारी ने क्यों परेशान कर रहा है, उसने टिकट काटी बस चल पड़ी, सारी बस में चर्चा हो रही यार कमाल ऐसे ऐसे मानस, बोला पृथ्वी जो ना इसलिए मानस टिक रही है, वो जांच पड़ताल करी उसने, वो जिसने टिकट ली ना वो जेब काट कर था उसका, वो जेब काट काट के चला गया पीछे थे, और भला क्या भागे देखो। तो ये सरकार तो बड़े पैसे वालों का टैक्स जो है माफ कर रही है, और राष्ट्र भगत और देश भगत पदना कितने कितने तक में लगा रखे हैं, ये तो रिकॉर्ड पर चीज आ रही है, मतलब ये जो बने सारे मोदी थे पैसे ले ले गए भाग गए, क्या कर दिया उनका किंग फिशर का मालिक विजय माल्या है, जो सरकारी बैंकों का पैसा है 11 लाख करोड़ रुपए, ये बड़े पैसे वाले दे नहीं रहे वापिस, बैंक वालों ने कहा कि उन सज्जनों के नाम चौराहे पर लगा दो पूरे देश में कि ये पैसे मार गए, तो सरकार कह रही है वो इज्जतदार आदमी है उनको ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते, एक किसान कोई कोऑपरेटिव बैंक से पैसे ले लेना और वापिस ना कराए, पुलिस भी जाएगी जीप भी जाएगी घेर के लाएंगे उसको, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी इज्जत है, जो पैसा वापस नहीं दे रहे उसका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तो बट्टे खाते लगा दिया, अब जब पैसे यहां जाने लग रहे हैं और हमारे लिए कहते हैं कि अगर पक्की नौकरी दे दें तो पैसा कहां से लाएंगे, कोई बात नहीं हिसाब मांगेंगे इनका भी अभी टाइम आए, तो ये बात मैं कहते हुए कि नीतियों का असर है किस्मत की बात नहीं है, और इन नीतियों से पलटने से अपनी किस्मत ठीक हो जाएगी, नौकरी पक्की मिल जाएगी अगर हम मिलकर के लड़ेंगे, आप और हम, देखो आप बेहतर हजार की बात करें, बेहतर को भी छोड़ दो 50,000 इकट्ठे हो जाओ, 3 लाख से ज्यादा हम हैं, सीआईटी वाले नौजवान ये मिलाकर के 5 लाख से ज्यादा हम इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर हम संगठन बना करके लड़ेंगे तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि इन मांगों का समाधान होगा, थोड़ा सा इस प्रधानी प्रधानी से और झंडे बांध रहे उनको कहो कि प्रधानी के झंडे जो है ना अप्रैल तक छोड़ दो, सारे भाईचारे में इकट्ठे आ जाओ, फिर मिलकर के लड़ेंगे, समाधान जब हो जाएगा कुछ हासिल हो जाएगा नौकरी हमारी पक्की हो जाएगी तो फिर जो है ना प्रधानी पक्की हो जाएगी, अदरवाइज प्रधानी कच्ची रहेगी। और ये बात का आश्वासन देते हुए कि भाई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों का प्रमुख और मुख्य संगठन है, आप जानते होंगे, अब हम आपके विभागों में जहां काम करते हो वहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होने देंगे, और आंदोलन की घोषणा निर्णय जो भी यहां से लिया जाएगा प्रदेश का पूरा कर्मचारी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलेगा, अपना भाई बेटा बेटी मान करके इस आंदोलन को लड़ेंगे, हम इस आपको से कहना चाहते हैं, इसी बात के साथ इस आशा के साथ इस उम्मीद के साथ कि आप संगठित होगे सभी को जोड़ोगे, क्योंकि आप में बहुत एनर्जी है, हमारे में तो वो अब बीत लिया हमको, लेकिन आप में एनर्जी है, उल्टे काम में बहुत जल्दी लागो और सुलटे में बहुत जल्दी लागो, उल्टे काम मतलब ये तो सोशल मीडिया पे जो मोदी आ रहा है एक कोई मैसेज आ रहा है ऐसे घूमता है पूरी तरीके से, हम ये कहें इस संगठन को बनाने में थोड़ा सा इस एनर्जी का इस्तेमाल कर दो, एक महीने का काम है, सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारी चुनी हुई कमेटी हो और एक आह्वान हम पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे, अब सरकार को अल्टीमेटम दे देंगे कि सारे युवा सक्षम इकट्ठे हो गए हैं, ये मांग पत्र हमारा है, इसका समाधान करो, अदरवाइज तुम्हारी सरकार को चैन से हम चलने नहीं देंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, कुर्सी अच्छी लगती है, ये खट्टर साहब जब आए थे जब देख लो अब कैसे लाल हो रहे हैं, कोई छोड़कर राजी नहीं है, अब वायदा भी अब ये 22 का करने लग गए, 19 को छोड़ गए, छत पे मकान सबको मिलेगा 2022 में, 19 तक टाइम है, बोला 22 में मिलेगा, यानी कि दोबारा से लाओ तब मकान लेना मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा, तो आज नौजवान पूछ रहे कि हमारे को नौकरी क्यों नहीं मिली, 2 करोड़ की बात कर रहे थे, और हरियाणा की स्थिति दोस्तों ये है
क्या इन्होंने कहा था 2 लाख नौकरी हर साल देंगे, 4 साल हो गए, 8 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी, 20,000 नौकरी दी है, 22,000 कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उल्टा 2,000 कम हो गए हैं। भाषणों से बात नहीं चलती, हर बार बोला। एक तो आप देखना रोडवेज में बस आएंगी, आज तक नहीं आई है, जिस दिन से आए थे उस दिन से कह रहे हैं बस आएंगी, लेकिन आज तक नहीं आई 60,000 और थोड़े से दिन के बाद में आप देखेंगे तो फिर उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द भी कर देंगे, यह भर्ती प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे मिलकर के हम लड़ेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा, और एक मजबूत संगठन नौजवान जहां जुटते हैं ना, वो निश्चित तौर से एक बदलाव की लहर भी चलती है। एक बार हम देख रहे थे आसाम में सारे स्टूडेंट और युवा मिलकर के सरकार बना दी, असम गण परिषद को कितने बजे शादी नहीं हो रही थी नौजवानी तो थे। तो अगर सारे मिलकर के इस थोड़ी सी इस राजनीति को भी समझ लें, ये जो कर रहे हैं चाहे पहले वाले थे चाहे ये वाले हैं चाहे उनसे पहले वाले थे, तो थोड़ा सा इस राजनीति को समझ करके अगर हम कोई नई दिशा प्रदान करें तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश की राजनीति भी बदल सकती है। तो इसी बात के साथ, इस आश्वासन के साथ, आप संदिग्ध हो फैसला लो, सर्व कर्मचारी सेना आपके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ तन मन और धन के साथ आपके साथ हम जुटेंगे। इसी बात के साथ मैं विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करता हूँ। धन्यवाद।